आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको चिकन दम बिरयानी बनाने जा रही हूँ। उसके लिए देखिए चिकन आधा किलो ली हूँ, इसको अच्छे से साफ करके पानी से क्लीन करके अच्छे से रखी हूँ। इसके लिए फिर इसमें आधा चम्मच नमक, हाफ स्पून टर्मरिक पाउडर, 2 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, देखिए इस तरह से हम इसको क्रश कर ली हूँ, देखिए कर्ड ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, इसमें खड़ का ही मात्रा से आपको ये जो बिरयानी है वो आपको सीज जाता है। देखिए इस तरह से दही करीब आपको 250 ग्राम लग जाएगा आधा किलो। इस तरह से सारे को अच्छे से मिला लेंगे। हाफ स्पून रेड चिली पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून बिरयानी मसाला, यही आपको फ्लेवर से आपका सुगंध आएगा, और इसमें कुकिंग ऑयल करीब 3 स्पून। इसको सारे को अच्छे से मिलाएंगे। इस तरह से ग्रीन चिल्ली को 20 से इस तरह से हाफ करके इसको डालेंगे, 2 से 3 ग्रीन चिल्ली। इस तरह से धनिया पत्ता भी इसमें मिला देंगे थोड़ा सा, एक पुदीना का भी पत्ता इसमें मिलाएंगे, और थोड़ा सा रहने देंगे चावल में मिलाने के लिए। इस तरह सारे को अच्छे से मैरिनेट करके डीप फ्रीजर में करीब 2 से 3 घंटा या ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं। ओवरनाइट रखने से और भी टेस्ट बढ़ जाता है। अगर टाइम नहीं है तो 2 से 3 घंटा भी डीप फ्रीजर में रख देंगे। इस तरह से मैरिनेट किया हुआ चिकन को हम लोग डीप फ्रीजर में इस तरह से रख देंगे ढक्कन लगा के, जब तक मेरा मैरिनेट हो रहा है चिकन, उसके लिए चावल देखिए तैयार कर लेते हैं। देखिए इस तरह से बासमती राइस लेंगे, लॉन्ग राइस जिसको बोलते हैं। देखिए कितना देखने से आपको खुश हो जाएगा चावल। आधा घंटा के लिए सॉक करने के लिए रख देंगे। अगर आधा किलो चिकन लिए हैं तो 1 किलो आपको चावल इसमें लग जाएगा। इस तरह से बासमती राइस इसको इस तरह से सोक करने के लिए रख लेंगे। अच्छे से इसको पहले धो लेते हैं, पहले अच्छे से धो के फिर सोक करेंगे। इस तरह से राइस को मैं साफ कर ली हूँ। उसके बाद देखिए इस तरह से पूरा डूबने तक आधा घंटा के लिए इसको सोक करने के लिए छोड़ देंगे। देखिए आधा घंटा हो चुका है चावल सोख हुए, अब इसको मैं बॉईल करूंगी। इस तरह से पतीले में पानी लेंगे, इसको पूरा बॉईल होने तक पूरा बॉईल होने देंगे। उसके बाद इस तरह से देखिए फूल है, चक्र फूल, जावित्री, सिनेमन की स्टिक, सहजीरा, छोटी इलायची या लौंग, इस तरह से खड़े मसाले को पानी बॉईल होगा तो डालेंगे। अब देखिए पानी मेरा बॉईल हो रहा है, उसमें करीब 1 चम्मच नमक डाल देंगे ताकि चावल में भी नमक का टेस्ट हो जाए। इस तरह से खड़े मसाले सारे डाल देंगे, इस तरह से सारे खड़े मसाले डाल देंगे, सिनामी पिस्टी, जावित्री, चक्रफूल, सहजीरा, लौंग, इलायची, सारे खड़े मसाले डाल देंगे। देखिए मेरा बॉईल अच्छी तरह से हो चुका है। सोख किया हुआ चावल को अब इस पानी में हम लोग डाल देंगे। अब इस तरह से बॉयल हुए चावल और पानी में इस तरह की 1 स्पून घी डाल देंगे। इस तरह से इसको बार बार नहीं चलाएंगे, एक बार चला के छोड़ देंगे। इसको करीब 70-80% पकने देंगे। देखिए मेरा 80% लगभग पक गया चावल, अब इसको मैं ड्रेन करूंगी। देखिए इस तरह से ड्रेन कर देंगे। अब फ्रीजर से मैरिनेट किया हुआ चिकन को निकाल के इस तरह से आप गहरा हुआ ही आप कढ़ाई लीजिए, उसमें अब मैरिनेट किया हुआ चिकन को सारा डाल दें। चिकन डाल के देखिए इस तरह से अब फ्राइड ऑनियन इसमें थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, फ्राई किया हुआ ऑनियन को। अब
देखिए फ्राइड ओनियन डालने के बाद इस तरह से बॉयल किया हुआ राइस को इस तरह से बिछाएंगे। एक लेयर बॉयल राइस डालेंगे, उसके बाद आप कटे हुए जो कोरिएंडर लीव्स और मिंट लीफ था वो सब भी डालेंगे। अब फ्राई ओनियन भी डाल देंगे। चम्मच घी भी डालेंगे। उसके बाद फिर बचे हुए राइस को उसके लेयर के ऊपर डालेंगे। जो इस तरह से सारे बचे हुए राइस को इस ऊपर बिछा देंगे पूरा इस तरह। अब देखिए और बचे हुए जो भी कोरिएंडर लीव्स और मिंट लीव्स है सारा इस तरह से बिछा देंगे सब में। और आपका जो फ्राई ओनियन है वो भी ऊपर से डाल देंगे सारा। अब देखिए इस तरह से फूड कलर को दूध या पानी में मिला के इस तरह से डाल देंगे, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। आपके पास अगर आपके पास केसर रहे तो वो भी डाल सकते हैं इस पर। इस तरह से फिर से घी इस एक चम्मच और डाल देंगे। इस तरह से नींबू काट के इसके बीज निकाल के इस तरह से नींबू को भी निचोड़ के इसमें डाल देंगे। देखिए इस तरह से पूरा में डाल देंगे, हाफ ही नींबू डालेंगे क्योंकि आप इससे पहले दही भी डाल चुके हैं। हम लोग दम बिरयानी बना रहे हैं, इसके लिए इसके जो भी एजेज है उसको इस तरह से लॉक कर देंगे आटा का लोई लेके। इस तरह से आटे से सारे किनारे को इस तरह से लॉक कर ताकि इसका भेपर से ही वो आपका बिरयानी अच्छे से तैयार हो। आइए देखिए इस तरह से एक और यहाँ एजेज है उसको भी बंद कर देंगे, इस तरह से लॉक कर देंगे। अब इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे। अब इसको आप इस तरह से गैस ऑन करके इसको मीडियम आंच पर 10 मिनट पकाएंगे। उसके बाद आप एक तवा 10 मिनट तक इस तरह से पकाएंगे, उसके बाद गैस पर तवा रख के उसके ऊपर इसको बिरयानी को बनाएंगे। कहीं से आपका हवा लीक ना होना चाहिए। अब इसके ऊपर एक लीक ना हो उसके लिए आप एक भगोना में पानी रख के उसके ऊपर रख सकते हैं। रुके इस तरह से एक कटोरा रख के इस पर देखिए पानी डाल के इसके ऊपर ताकि इसका जो आपका एयर है बाहर ना निकले, इसका वेपर से आपका सारा बिरयानी पक जाए। इस तरह 10 मिनट इस तरह से ही गैस 10 मिनट हो गया। अब मैं एक तवे पर रख के इसको लो आंच पर पकाऊंगा। इस तरह से तवा लेंगे अब इसको एकदम लो आंच पर अब 15 से 20 मिनट पकने देंगे। इस तरह से रख के ताकि वेपर बाहर ना हो इसके लिए इसको डालना बहुत जरूरी है। 15 से 20 मिनट हो गया, सारे पानी जो डाल रखे हैं उसको निकाल देंगे। अब इसको डायरेक्ट हीट पर 5 मिनट और पकने देंगे, ऐसे रहने देंगे। उसके बाद इसको आप इसका सबसे अच्छा तरीका है कि देखिएगा जो हम लोग आप आटा की लोई डाले हैं देखिए पूरा हार्ड हो गया इस तरह, मतलब अंदर से पक गया है पूरा। 5 मिनट इस तरह से रहने देंगे उसके बाद आपका पूरा रेडी हो गया। मेरा बिरयानी बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इस तरह से साइड से आपको इस तरह से काटेंगे, काट के पूरा निकाल। अब इस तरह से ढक्कन को खोल के हटाएंगे। देखिए इसका अरोमा देखिए आप, और इसका चावल तो देखिए किस तरह से आपको आप देखते ही मन करेगा खाने। चावल देखिए, चावल देखिए, क्या खुशबू है। इस तरह से मैं एक प्लेट में निकाल के आपको दिखा रही हूँ चिकन निकाल। इस तरह से देखिए साइड से निकाल के अब देखिए पीस तो देखिए चिकन का किस तरह से आपको पूरा सीज गया है। देखिए पूरा आपको ये से अलग हो गया, हट गया। देखिए कलर देखिए इसका,
देखिए इस तरह से मेरा निकाल के प्लेट में आपको दिखा दी, देखिए किस तरह से चिकन का पीस किस तरह से सीज गया, देखिए मैं दिखा रही हूँ कि पूरा इसे पूरा देखिए अंदर तक सीज गया। अब मेरा पूरा रेडी है, इस तरह चावल का भी देखिए किस तरह से आपको लंबा लंबा हो गया, इस तरह से मेरा पूरा। अब इसको कोई भी रायता या चिकन कड़ी के साथ सर्व कीजिए गर्मा गर्म। देखिए इसको देख के तो आपको भी मुंह में पानी आ गया, मेरा मुंह में तो जरूर पानी आ गया। आप इस तरह से अगर बनाना है तो मेरा वीडियो जरूर पूरा देखिए और इस तरह से बनाइए। आप इस तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए से लाइक।